नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट के इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज दूसरे चरण का बिहार में मतदान शुरू है और जैसा शुरुआती ध्यान में आ रहा है, शुरुआती बातों से ध्यान में आ रहा है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके के उत्साह की एक कल्पना हम करते थे बिहार की जनता से, वैसा फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ है एसएन द्विवेदी जी। एसएन द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। जी द्विवेदी जी, आज वैसे तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव हो रहे हैं, जिसका आने वाले समय में मध्य प्रदेश में तो खास तौर से मामा की सरकार रहेगी, या जिसे कहते हैं कमल रहेगा या कमलनाथ रहेंगे, इस पर एक निर्णायक उपचुनाव हो रहा है, तो वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार से बिहार में चुनाव में, जो दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है? तो ये बिल्कुल, ये बड़ी चिंता की बात है कि इतने जागरूक होने के बाद भी बिहार की जनता वोट डालने नहीं निकल रही है। जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम है अभी तक, और खास तौर से शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत काफी कम है देखा जा रहा है। शहर के लोग काफी उदासीन है, जो अर्बन इलाके के मतदाता है वो काफी उदासीन नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा कम मतदान अगर कहीं पर हो रहा तो शहरी इलाके हैं। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये है कि ये जैसे हमने पहले चरण में देखा था वहां भी काफी कम मतदान हुआ था, तो मुझे लग रहा है दूसरे दौर में भी काफी कम मतदान प्रतिशत रहने की उम्मीद है। और ये सत्तारूढ़ दल के लिए वाकई बड़ी चिंता की बात हो जाएगी अगर उसके मतदाता घर से नहीं निकलते हैं या उनके कार्यकर्ता अपने मतदाताओं को घर से नहीं निकाल पाते हैं, तो काफी चिंता की बात है सत्तारूढ़ दल के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, ये काफी चिंता वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसे तो वहां पे काफी आप देख रहे हैं काफी अनप्रेडिक्टेड जो बात आ रही है सामने की शायद कुछ खतरे में हो सकती है, गला काट प्रतिस्पर्धा है दोनों दलों के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में, तो ऐसे में अगर किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक दल के लोग कम निकलते हैं तो उसके लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। और हमेशा एंटी इनकम्बेंसी में माना जाता है कि अगर कम मतदान होता है तो सत्तारूढ़ दल को वो फायदा नहीं पहुंचाता है, ऐसा हमेशा देखा गया है। रवि जी, जिस प्रकार से एक कम परसेंटेज दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, हालांकि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है 10 बजे कि अभी तक उनके उनके पास प्राप्त जानकारी के हिसाब से 10% मतदान हो चुका है और वो पिछली बार के जो जो ट्रेंड है उससे अधिक है, ऐसा पीएम मोदी का ट्वीट है जो उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, जो उन्होंने कहा है उसके बारे में है। रवि जी, ये जो उदासीनता दिखाई दे रही है, ये क्या, ये किस तरफ का, या इसे कहें कि ये किस बात की ओर संकेत कर रही है? देखिए, जाहिर है कि बिहार में विधानसभा चुनावों में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि वोटिंग परसेंटेज तमाम कोशिशों के बावजूद, चुनाव आयोग कोशिश करता है, पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश करती हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार में अगर 15 साल बनाम 15 साल का अगर आंकड़ा देखें तो जिस समय लालू यादव या कांग्रेस की सरकारें बिहार में थीं उस समय तो चुनाव में बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, मतपेटियां लूट ली जाती थीं, तो उस हिसाब से लोगों में सामाजिक तौर पर एक खिन्नता वोटिंग को लेकर वहां पारंपरिक रूप से रही है। जिस समय देश के दूसरे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है या आम चुनाव जो हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी हद तक बढ़ा हुआ हमने देखा है, लेकिन बिहार में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। साफ है कि लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसके प्रति बिहार के लोग उदासीन है और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। और आप एक चीज और देखिए कि ग्रामीण इलाकों में तो मतदाताओं में फिर भी वोट डालने के लिए रुझान देखा जा रहा है, वहां लाइनें कुछ लंबी हैं, लेकिन शहरों के लोग अगर वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अगर वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, कामकाजी लोग जिनको आमतौर पर माना जाता है कि वे बहुत सजग रहते हैं, अगर वो वोट डालने नहीं निकल रहे हैं तो ये एक दुर्भाग्य
महत्वपूर्ण स्थिति है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरणों का बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लंबी लाइनें नजर आती हैं वो जातिगत राजनीति का के जो समीकरण हैं वो इस बात के गवाह हैं कि वहां ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा निकल रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की है कि बिहार में आमतौर पर महिलाएं बहुत ज्यादा वोट डालती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने करीब करीब 7% ज्यादा पोलिंग की थी। हालांकि इसकी एक वजह उस समय मनीष ने यह भी बताई थी कि चूंकि बहुत ज्यादा लोग पलायन किए हुए रहते हैं तो महिलाएं ही गांव में ज्यादा होती हैं, इस वजह से वोट डालते हैं महिलाएं ज्यादा। मुझे लगता है कि ये एक वजह गिनाने के लिए हो सकती है, लेकिन अगर हम टोटल मतदाता देखें बिहार में तो वो संख्या में बहुत फर्क नहीं है महिलाओं और पुरुषों की संख्या में। लेकिन महिलाओं का जागरूक होना, युवाओं का जागरूक न होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इस बार जो है करीब 2.5 करोड़ मतदाता युवा है, यानी और 58% जो मतदाता है वो युवा है। तो ऐसे में अगर वोटिंग बहुत कम हो रही है, और राजधानी पटना की जो पटना जिले की जो 9 विधानसभा सीटें पड़ती हैं उसमें जो 4 शहरी सीट हैं उनमें वोट नहीं पड़ रहा, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन देखिए, हो सकता है शाम तक कुछ स्थिति में सुधार आए। बिल्कुल, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी एक रैली में कहा कि 10 बजे तक की उनके पास सूचना है कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो रही है, और अभी एक मोटे अनुमान के साथ 11 बजे तक बिहार में 20% मतदान हो चुका है। यानी कि शहरी अगर क्षेत्र की बात अगर हम करें तो हो सकता है वहां कम हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में का शायद वोटिंग काफी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से 11 बजे तक हम 20% मतदान हो पाया है। दानापुर और बेतिया विधानसभा में वोट का बहिष्कार किया गया, मतदाताओं ने कहा है कि मांग सुने फिर करेंगे वोट, ऐसा कहकर एक वोट डालने का बहिष्कार किया है। आपको क्या लगता है रवि जी, वोटिंग का इस तरीके से बहिष्कार करना कहीं लोकतंत्र में के उनकी मांगों को पूरा करने में सहायक होगा, या वोट का ठीक उपयोग करके वो लोकतंत्र को अपने लिए सहायक बना सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, बहिष्कार करना का कोई प्रावधान होना नहीं चाहिए, और ये तो बहुत अजीब सी बात है। आपको अगर कोई जो आपका जनप्रतिनिधि है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसे उसके विरुद्ध वोट डालिए जो सक्षम उम्मीदवार आपको लग रहा है। और अगर ये लगता है कि भाई कोई उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है जिसको वोट दिया जाए, तो कम से कम वोटिंग मशीन में नोटा का एक प्रावधान है, वो दबा के आइए। लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति पर अविश्वास करना और वोट नहीं डालना मुझे लगता है कि समस्या का समाधान नहीं है। इसी तरह से ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप आरक्षण की मांग करें या कोई और मांग करें और आप पूरे शहर को बंधक बना लें, रेलवे की पटरियां उखाड़ दें, तमाम सरकारी और आम संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो ये कोई समस्या के समाधान की ओर बढ़ती हुई मानसिकता का परिचायक कदम तो नहीं कहा जाएगा। आप आइए, वोट डालिए, और अगर कोई उम्मीदवार सक्षम नहीं लग रहा है तो नोटा दबाइए, और दूसरे अगले चुनाव में आप खुद समाज के बीच से कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कीजिए जो आपकी समस्या का समाधान कर पाए। लेकिन वोट नहीं डालना तो एक ठीक नागरिकीय कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, और जो इस चरण में 94 सीटों पर लगभग 1464 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करने जा रही है, और ऐसे में दानापुर और बेतिया में जिस प्रकार से ये कहा गया है कि वोट का बहिष्कार करें, तो जैसा रवि जी ने भी कहा कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आज जो फैसला होने वाला है उसमें तेज प्रताप यादव प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख जो है पुष्पम प्रिया चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव, ऐसे तमाम दिग्गजों की आज जो किस्मत है उसका फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। रवि जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक बार द्विवेदी जी से एक चीज और समझते हैं कि द्विवेदी जी, जो आप जिस प्रकार के आंकड़ों का बता रहे थे कि भाई
वोटिंग की शुरुआत शहरी क्षेत्रों में कम हुई है, लेकिन अब जैसा कि देखने में आ रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि वो उसका प्रतिशत बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ेगा वैसे वैसे वोट और बढ़ेगा? बिल्कुल, आपकी बात सही है, जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ेगा वैसे वोट बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो जो भी आंकड़ा आप दे रहे हैं 20% वाला, अगर वो है तो ये अच्छी बात है, ये इसको हम एक अच्छा मतदान मानते हैं। 11 बजे तक 20% का आंकड़ा खराब नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात, जो जैसे रवि जी भी कर रहे थे, जो वोट बहिष्कार की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है यहाँ पर ना इस जगह पे आके जो हमारे नेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात को मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्यों आखिर 5 साल बाद आपकी जनता आपके लिए मतदान का बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जाती है, वो वोट डालने नहीं जाती, आखिर वो आपसे कहाँ कमी रह गई। ये नेताओं को इस बारे में आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात को लेके। इसके साथ ही साथ जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे कि चुनाव सुधार की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरूरत महसूस होती है अनिवार्य मतदान की। ठीक है, आपको वो आदमी पसंद नहीं है, रवि जी की बात बिल्कुल सही है, आपको आदमी पसंद नहीं है, आप जाके नोटा का बटन दबाइए, नोटा का वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप नोटा का ऑप्शन भी दबा सकते हैं, लेकिन मतदान का बहिष्कार तो किसी भी तरह से गलत है। और मुझे मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पर ये जो उदासीनता है ना, एक जगह जैसे आपने दो जगह का नाम लिया तो दो जगह लोगों ने उस बात को मुखर होकर सामने आए कह दिया, तो यही यही कारण है मतदान प्रतिशत कम होने का, कि बाकी जो सामूहिक रूप से बहिष्कार नहीं कर पा रहे वो घर में बैठ के बहिष्कार कर रहे हैं। जो मतदान का कम प्रतिशत है मैं उसको यही मानता हूँ, वो घर में बैठ के बहिष्कार कर रहे हैं। तो नेताओं को बहुत ज्यादा जरूरत है आत्ममंथन करने की कि आखिर मतदान जरूर हो और चुनाव सुधार के बारे में जरूर चर्चा हो इस बारे में। बिल्कुल, अभी 11 बजे तक पटना की जो 9 विधानसभा सीटों हैं उस पर भी लगभग 18.16% मतदान हो चुका है, इसका मतलब धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। जदयू और बीजेपी के लिए तो प्रतिष्ठा बचाने का प्रश्न है, वह कांग्रेस भी उत्साहित है क्योंकि जिस प्रकार का एक ट्रेंड महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देने लगा था, जिस तरीके से तेजस्वी ने बिल्कुल वॉर फुटिंग पर अपने जो प्रतिद्वंदी है नीतीश कुमार को लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उसके उसको मिलते हुए समर्थन को देखते हुए, हालांकि लोगों का कहना है कि तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ दिखाई दे रही है, अगर वो ये इस बात का परिचायक है कि जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करती है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है ऐसे तो चिराग पासवान की सभाओं में भी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि चिराग पासवान भी उतने दमदार तरीके से निकल रहे हैं नीतीश का विरोध करते हुए, तो कहीं जो एक संभावना बनती बनाने की प्रयास किया जा रहा है। राजनीति में अभी सत्तारूढ़ दल तो ऐसा नहीं कह रहा है कि बीजेपी ये नहीं कह रही कि एलजेपी के साथ मिलकर कोई सरकार बनाने की कोई संभावना है, उन्होंने निरंतर कहा है कि वो जदयू के साथ ही सरकार बनाएगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। लेकिन ये जो भीड़ है रवि जी, आपको कितना लगता है कि वोटों में भी कन्वर्ट हो रही होगी? देखिए, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है ये चीज कि जितनी भीड़ सभाओं में उमड़ती है उतना वोट में तब्दील तो नहीं होती है, साफ है। बिहार में तो खास तौर पर अगर हम इसे पैमाना बनाएंगे तो कोई बहुत निश्चित आंकड़ा हमारे जहन में नहीं उभरता है। लेकिन और चुनाव में भी हमने झारखंड चुनाव में भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ती थी, रघुवर दास की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ती थी, लेकिन आखिरकार वो वोट में तब्दील नहीं हुई। हालांकि बीजेपी के लिए ये आप कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत, वोट शेयर जो है वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि काडर बेस पार्टी है, 1% प्लस या 1% माइनस, इससे ज्यादा वोट शेयर हिलता नहीं है। लेकिन वोट शेयर ज्यादा पिछले आम चुनाव में भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में सबसे ज्यादा करीब करीब 28% के आसपास वोट शेयर, या हो सकता है मैं आंकड़ा कुछ इधर उधर याद नहीं आ रहा हो मुझे, लेकिन इतना तय है कि 2015 में बीजेपी का वोट शेयर सर्वाधिक था। लेकिन होता यह है कि वोट शेयर हमेशा सीटों में तब्दील हो जाए ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर बहुत कम वोटों के साथ हार जीत होती है। वोट शेयर मान लीजिए बीजेपी का 100 में से 100 वोट पड़े और उधर 101 वोट पड़ गए दूसरे एक सीट पर,
तो जाहिर है कि 101 सीट वाला जीत जाएगा। तो इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी का वो वोट शेयर इंटैक्ट रहने वाला है, लेकिन वो सीटों में कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो फिर वही स्थिति होगी कि बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, लेकिन जो ओपिनियन पोल के सर्वे आए हैं वो भी सही साबित हो सकते हैं। अभी कुछ कहना इस लिहाज से तो ठीक नहीं होगा कम से कम। जी बिल्कुल, और एक बड़ी दिलचस्प आंकड़ा भी ध्यान में आया है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुल 1461 प्रत्याशी हैं, और एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1463 उम्मीदवारों में से लगभग 34% दागी है। दागी नहीं जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन कुल प्रत्याशियों में से लगभग 34% करोड़पति उम्मीदवार है, 495 के आसपास उम्मीदवार करोड़पति हैं, और सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार लड़ रहे हैं भाजपा से, लगभग उसके 46 में से 39 85% प्रत्याशी करोड़पति हैं। आरजेडी उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है, 83% जो उनके प्रत्याशी है वो करोड़पति हैं, और जेडीयू में लगभग 43 में से 35 प्रत्याशी करोड़पति हैं। लोकसभा की बात करें तो 52 प्रत्याशियों में से 38 करोड़पति हैं। तो धन बल की तो कोई कमी बिहार के चुनाव में नहीं दिखाई देती, जिस प्रकार के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राजनीति में क्या आम आदमी के लिए कोई जगह बाकी रह गई है? रवि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजनीति में। और बड़ी दिलचस्प बात है, बीजेपी ने तो खैर कभी नहीं कहा कि वो गरीबों की पार्टी है। बीजेपी का तो ये माना जाता है कि व्यापारियों के बेस वाली पार्टी है, तो वहां से अगर कोई करोड़पति उम्मीदवार मैदान में है तो बहुत आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो गरीबों की बात वाले लोग हैं, जो खुद कच्चे मकानों में रहने वाले लोग रहे हैं, वो देखिए कि उनकी जो अगली पीढ़ी है वो करोड़ों अरबों की संपत्ति उनकी केवल सियासत पेशेगत तौर पर अपना करके उन्होंने कमा ली है। तो ये बड़ा ताज्जुब होता है कि आरजेडी करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में दूसरे नंबर पर है। जहां तक आम आदमी के राजनीति में आने का प्रश्न है, तो वाकई अतुल जी ये बड़ी गंभीर बात है कि अगर कोई ईमानदारी से निष्ठा से लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हुए ये सोचे कि वो चुनाव लड़ लेगा, तो आज की तारीख में मुझे लगता नहीं है कि कोई आम आदमी चुनाव अपने बूते पर लड़ लेगा और जीत भी जाएगा। हालांकि बहुत सारे कम उदाहरण हैं, अब जैसे केंद्रीय मंत्री सारंगी जैसे लोग हैं जो बहुत मतलब आम झोपड़ी में रहकर के भी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर बात यह है कि उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई है। तो आम आदमी तो पार्टी में ही शामिल होके उसका भविष्य राजनीतिक तौर पर निखर सकता है। कोई आज की तारीख में ये सोचे कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है, और ये एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति मुझे ये लगती है। आम आदमी की जो भागीदारी वोटर के रूप में है वो भी पूरी तरह वो निभा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि द्विवेदी जी कह रहे थे, हम लोग भी गाहे वगाहे चर्चा करते रहते हैं कि अब एक गंभीर मंथन चिंतन की जरूरत है। नियमों की अनिवार्यता तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक तौर पर एक जागृति लाने की जो जरूरत है वो भी बहुत ज्यादा महसूस अब होने लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक तौर पर जो जागृति लाने की बात है वहां वो बात आपकी ठीक है रवि जी, लेकिन देवी जी एक बात यह है कि जिस कम मत प्रतिशत की हम बात करते हैं तो जाहिर है कि आम जनता से कनेक्टेड उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं उसको राजनीतिक दलों से भी। अब करोड़पति अरबपति जो उम्मीदवार होता है उसका कितना जनता के साथ कनेक्ट होता है। दूसरा, हमने पहले चर्चा भी की थी कि जिस प्रकार से दल बदल करके लोग इधर से उधर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक निष्ठा के नाते आप एक झंडे एक आदमी के विरोध में काम कर रहे होते हैं, अचानक उसको पता चलता है उसने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब आपको उसके समर्थन पे नारे लगाने। अभी जैसे एक सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ कि भाजपा के लिए वोट मांगते मांगते वो कांग्रेस के लिए वोट मांग बैठे। तो इस तरीके की जो एक दुविधा की स्थिति और कहीं दिल में
अपना मूल राजनीतिक जो दल है वो और वोट आपको किसी और के लिए मांगना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। तो क्या कम मत प्रतिशत के लिए हम एक कारण इसको मान सकते हैं कि नेता जो उम्मीदवार है उसका जनता के साथ कनेक्ट कम है, हवा हवाई लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं या पैराशूट के थ्रू ड्रॉप किए हैं, तो अब जो एक आम जनता है या एक जो समर्थक है उसने भी इसको अपनी नियति समझ लिया है और उन्होंने कहा कि जब ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही सही। अतुल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जब जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो जनता हमेशा उदासीन हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि जो पैसे वाले लोग हैं, आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर उसी में छुपा हुआ है। बीजेपी और आरजेडी में जिस तरह से करोड़पति लोग हैं, आप जितने आपने आंकड़ा दिया वो वाकई वो आंकड़ा खुद ही अपने आप में उत्तर है कि ये बताने के लिए कि जो आदमी खुद करोड़पति हो जनता से कितना कनेक्टेड होगा ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जनता से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाए, जो आदमी जनता से कनेक्ट नहीं हो, अब जैसे लव सिन्हा को ले लें, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं लव सिन्हा, उनके बारे में हर आदमी जानता है, हर आदमी वहां पे कह रहा है, हर आदमी उसका विरोध भी कर रहा है कि आखिर पैराशूट वाले कैंडिडेट मुझे क्यों दे दिए गए, जो आदमी कभी क्षेत्र में नहीं आया, जो आदमी कभी इस इलाके में दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो पैसे वाले कैंडिडेट्स हैं, इन्हें पैराशूट कैंडिडेट्स भी कहा जाता है कि भाई इतना पैसा इन्होंने फेंका तो मासा देखा। तो वो जो करोड़पति कैंडिडेट्स हैं कभी भी जनता से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको लगता है कि वो वन स्टेप अबव है, वो इसलिए जनता से कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। जनता की उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है वोट परसेंटेज कम होने में, कि भाई जब माली मैं कोई नेता हूं, अगर मैं जनता से संवाद ही नहीं रखूंगा तो जनता मेरे लिए क्यों वोट डालने निकलेगी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही अगर जनता उदासीन क्यों, जनता उदासीन इसलिए भी रहती है, देखिए जब उसका कोई काम नहीं होगा, जब जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जैसे 15 साल का एक कार्यकाल है, चाहे वो लालू जी का रहा हो चाहे नीतीश जी का रहा हो, अगर जनता की उससे कुछ कार्यकाल से उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है वोट बहिष्कार जैसी चीजें होंगी और वोट डालने आदमी नहीं निकलेगा, अपने घर में बैठ के आराम करेगा। क्योंकि लोकतंत्र में आज भी आदमी बिहार जैसी जगहों पर, हमने दिल्ली में कुछ स्थितियां सुधरी हैं, बिहार जैसी जगहों पर या छोटे प्रदेशों में अभी भी आदमी सोचता है कि मतदान का दिन है, छुट्टी का दिन है, घूम लो यार, ये या तो घर में आराम कर लो। आदमी को इस मानसिकता से ऊपर निकलना पड़ेगा कि अब ठीक है घर से निकलिए जरूर, भले नोटा को दीजिए नहीं, घर से निकलिए जरूर। आपका कहना ठीक है। अररिया के फारबिसगंज में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि विश्व के लोगों को देखना चाहिए कि जब पूरा विश्व कोरोना के कारण घरों में बंद है, बिहार की जनता लोकतंत्र में अपना जिस तरीके का विश्वास दिखा रही है और घरों से निकलकर मतदान दे रही है, तो उनको समझना चाहिए कि पूरे विश्व को ये संदेश दिया है उन्होंने कि बिहार की जनता कितनी जागरूक है लोकतंत्र के प्रति, और उसकी प्रशंसा वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि बिहार की धरती ने ही लोकतंत्र का जो एक लोकतंत्र को दिया है, लोकतंत्र की शुरुआत बिहार से ही हुई है। तो बिहार में जो बढ़ा हुआ मतदान है उससे प्राइम मिनिस्टर बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने अररिया में डंके की चोट पर कहा है कि एनडीए की सरकार वापस आ रही है, नीतीश वापस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चलिए खैर, प्रधानमंत्री क्योंकि चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वही कहना था जो एक समझदार नेता को कहना होता है अपने वोटर को, अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए। हम भी ये मान के चलते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक हो उनकी नजरों में, जो ठीक है, लेकिन बिहार की जनता के पास अभी भी समय है, वो और तेजी से घरों से निकले, अपने मत का उपयोग करे, जो बचा हुआ समय है उसमें मत का प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार को चुने। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए रवि जी आपका धन्यवाद, द्विवेदी जी आपका भी धन्यवाद, और बिहार अपडेट की ओर से एक बार फिर अपील कि आप अधिक से अधिक संख्या में निकले, लोकतंत्र के इस पर्व का एक उत्साह से इसको आप मनाएं और अधिक से अधिक संख्या में वोट देने निकले, सुरक्षित रहें, मास्क पहनकर निकले, सैनिटाइजर लेके निकले। हालांकि जो हमें पता चला है मतदान बूथों पे आपको सैनिटाइजर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, कुछ जगह पे आपके ग्लव्स भी आपको दिए जा रहे हैं आपके लिए हैं, लेकिन घर से सुरक्षित निकले क्योंकि आपको घर से मतदान केंद्र तक आना है, वहां तक सुरक्षित पहुंचे और वहां भी सरकार ने आपकी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करे हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर वोट डालें। धन्यवाद।